सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में कि आखिरकार ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इसके जनरल करेक्टर्स इस लेक्चर में देखेंगे। इससे जो पहला था अपन ने एल्गी को कंप्लीट कर लिया था, एल्गी के जनरल करेक्टर्स अपन ने देख लिए थे। इसके अलावा अपन ने उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से वो सारे के सारे अपन ने देख लिए थे। तो वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप मतलब प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या मेन आप चैनल पे जाइए वहां भी देख सकते हैं। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा ब्रायोफाइट्स के ऊपर जनरल करेक्टर्स देखेंगे, फिर इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेंगे, फिर इसके बाद में इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लेंगे। अब इसके अंदर जो जो चीज दी हुई है, जैसे कि मेन इनकी लाइफ साइकिल हो गई, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें होंगी, ये भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपनी वन बाई वन करके सारी की सारी चीज जो आपके बीएससी सेमेस्टर में दे रखा है वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये याद रखिए, सिलेबस कंप्लीट पूरा करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए। तो चलिए बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले ब्रायोफाइट को यदि दो वर्ड्स के अंदर अपन डिवाइड करके देखें तो पहला आता है ब्रायोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस से, किससे होता है मॉस से। फाइटोन का मतलब किससे होता है प्लांट से, मतलब जो ब्रायोफाइटोन होता है इनको क्या बोला जाता है, मॉस लाइक प्लांट भी बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, मॉस लाइक प्लांट इनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं एंड कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, सीडलेस एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट जो वर्ड है या जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज दिया था, किसने दिया था, तो वो कौन थे, आपके ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। इसके अलावा पूछ लीजिए, एक एक दोनों एक एक नंबर के में आ जाते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पूछ लीजिए कि ब्रायोफाइट्स है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रायोलॉजी। एंड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी पूछ लीजिए कि भाई फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, हिजविक कौन है, आपके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है। इसके अलावा पूछ लीजिए कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप कौन है, आपके इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। यहां सिर्फ आप समझने के अकॉर्डिंग समझिए, यहां जो भी लिख रखा है समझने के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स होंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इजीली आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी बीएससी सेमेस्टर की जो जो क्लासेस आएंगी, चाहे वो जूलॉजी की हो, बोटनी की हो, केमिस्ट्री की हो, सबके कंप्लीट नोट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स को एक बढ़िया सी उपाधि दी गई है, वो उपाधि दी गई है कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है वो ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। एम्फीबियंस का मतलब अभी अपन ने थोड़े दिन पहले बात की थी कि जब अपन जूलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे जो कोर्डेट्स हैं उसके अंदर अपने एम्फीबिया को पढ़ा था। तो एम्फीबिया जो आपके हैं, एम्फीबिया मतलब उभयचर, मतलब जो कहां रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, मतलब टेरिस्टेरियल में भी रह सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये अपन बोल सकते हैं कि इनकी दोहरी जीवन शैली होती है, मतलब इनकी दोहरी लाइफ स्टाइल होती है। वो कैसे, वो भी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब। लेकिन फिर थोड़ा सा बता देते हैं कि दोहरी जीवन का मतलब हो गया कि ये रहेंगे तो कहां, लैंड के ऊपर, लेकिन जब इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के लिए कहां जाना पड़ता है, इनको वाटर की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब अगर एक तरह से बोल सकते हैं कि जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी उस टाइम तो इनको वाटर में रहना होगा, एंड जब ये परिपक्व हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तब ये कहां रहेंगे, आपके लैंड पे रहेंगे। इसलिए जो आपके ब्रायोफाइटोन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहां पे वाटर आसपास में देखने को मिलेगा, मतलब जहां वाटर रहता है वहां उनके आसपास में जमीन पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके जनरल करेक्टर्स की। यहां थोड़ा सा बेसिक अपन ने देख लिया कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला था, क्या इनको बोला जाता है, अब मेन कर लेते हैं जनरल करेक्टर की बात। जनरल करेक्टर की बात करें तो जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स बोला जाता है, मतलब सबसे पहले आने वाले यदि प्लांट्स पूछ लिए जाए तो वो कौन है, आपके ब्रायोफाइट्स है जो सबसे पहले कहां आए थे, लैंड के ऊपर आए थे। वाटर के अंदर तो काफी सारे थे, जो अपन एलगी वगैरह पढ़े थे वो सारे क्या थे, वाटर में थे, लेकिन फर्स्ट जो लैंड पे आने वाले प्लांट्स थे वो आपके कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसके अलावा इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कहां देखने को मिलेंगे, तो ये आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां मॉइस्ट क्या होगी, शेडी होगी, मतलब मोस्ट छायादार जगह होगी ना, वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जहां ह्यूमिड प्लेस होगा वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, बोले तो जो शुष्क जगह होगी, नम जगह होगी, जहां वाटर इनको बराबर मिलता रहे वहां पे ये देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो चीज डोमिनेंट होती है वो डोमिनेंट क्या होती है, गेमेटोफाइट। क्या होते हैं? गेमेटोफाइट। और ये गेमेटोफाइट क्या होते हैं? आपके हेप्लोइड होते हैं। कैसे होते हैं? हेप्लोइड होते हैं। और इनको क्या बोल सकते हैं अपन? कैसे होते हैं? थैलस लाइक होते हैं। मतलब किसके जैसे दिखने में कैसे होते हैं? थैलस लाइक। क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होती है इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है? डोमिनेंट होती है इनकी बॉडी के अंदर, ब्रायोफाइट्स की बॉडी के अंदर। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में जो रूट, अब सीधी सी बात है प्लांट है तो प्लांट होंगे तो सीधी सी बात है रूट भी होनी चाहिए, लेकिन जो ट्रू रूट होती है वो ट्रू रूट क्या होती है इनके अंदर कंप्लीटली अब्सेंट होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें ट्रू जो रूट होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है, उसकी कमी होती है। अब उस रूट की पूर्ति करने के लिए इसमें क्या होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड क्या होते हैं? ज्यादा बड़े नहीं होते, बस छोटे छोटे, ये सरफेस है, सरफेस पे बस हल्के हल्के से क्या होते हैं? राइजोइड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। रूट तो क्या होती है? काफी लंबी तक चली जाती है, लेकिन ये ज्यादा लंबी नहीं जा सकती है। तो इनमें रूट क्या होती है? एक तरह से बोल सकता है सरफेस के ऊपर ही ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगी। तो वो क्या होती है? राइजोइड्स होते हैं। थोड़ी छोटी छोटी गांठें गांठें आपने देखी होगी उस तरह की। इसके अलावा इस राइजोइड का फंक्शन क्या हो गया? तो ये राइजोइड का फंक्शन वही होता है जो आपका क्या कर लेते हैं, जो रूट वगैरह कर लेते हैं। जैसे वाटर को क्या करना? रीअब्सॉर्ब करना। मतलब जो भी जमीन के ऊपर ये लगे हुए सतह से शुष्क जगह पे है जहां पानी भी बराबर है, तो वहां से क्या करेंगे? जो भी वाटर होगा उसको रीअब्सॉर्ब करना, साथ में मिट्टी में थोड़े बहुत जो भी मिनरल्स है वो, उन मिनरल्स को भी क्या करना? रीअब्सॉर्ब करने का काम किसका होता है? राइजोइड्स का होता है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडी होगी उसको क्या होंगे? सरफेस से अटैच करने का काम, मतलब उसको सरफेस पे खड़ा रहने का प्रदान, मतलब हेल्प होंगी, सपोर्ट होगी, वो भी कौन देते हैं? राइजोइड्स देते हैं। प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं अब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर के अब्जॉर्वमेंट एंड मिनरल के अब्जॉर्वेशन में हेल्प करते हैं जो राइजोस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें न्यूट्रिशन किस तरह का देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशन कैसा देखने को मिलेगा? इनमें ऑटोट्रोपिक होंगे। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होंगे? ये स्वयं पोषी होंगे, खुद ही अपना भोजन बना लेंगे। अब सीधी सी बात है कि खुद यदि अपना भोजन बना रहे हैं तो इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? कलर में ग्रीन होते हैं। तो क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस कारण क्या करते हैं? ये खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो न्यूट्रिशन मोड इनमें क्या होता है? ऑटोट्रोपिक होता है। एंड इनके अंदर जो वेस्कुलर, अभी अपन ने बात की थी कि जो ये क्या होते हैं? वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, मतलब जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो इनमें क्या होते हैं? कंप्लीटली अब्सेंट होते हैं। कौन? वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या है? कंप्लीटली अब्सेंट है, नहीं पाए जाते। तो इनमें जो जाइलम एंड जो फ्लोएम होगा वो भी क्या होंगे? आपके कंप्लीटली अब्सेंट होंगे। जाइलम फ्लोएम भी क्या होंगे? इसमें कंप्लीटली अब्सेंट होगी। अब थोड़ी सी एक चीज सोचिए कि जाइलम का क्या काम होता है एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जाइलम का क्या फंक्शन है एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है? मैं आपको बताऊं तो जाइलम का जो फंक्शन है, मतलब आप छोटा सा याद रखिए, हिंदी के अंदर आप लिखिए जाइलम। क्या लिखिए? जाइलम। जाइलम एंड आपका कौन सा है? फ्लोएम। राइट, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए जाइलम के अंदर जय लीजिए, जैसे क्या ले लीजिए आप? जल को इंक्लूड कर लीजिए। फ्लोएम में जो फैल है इससे क्या ले लीजिए आप? फल ले लीजिए। मतलब जो आपका जाइलम होगा, जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? जाइलम हमेशा जल का, बोले तो वॉटर का क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जबकि फ्लोएम होगा, फ्लोएम से फल, फल मतलब फूड, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? आपका फ्लोएम करेगा। ये चीज आगे अपन और डिटेल के अंदर जब आपके आएंगे अगले सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम वगैरह सारे कुछ क्या होते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखने के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि जाइलम, जाइलम से जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? जल से, क्योंकि जय से जय को आप मिला लीजिए या फै से फै को मिला लीजिए। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फल का करेगा। खैर ये तो समझने के अकॉर्डिंग थी, ऐसी काफी ट्रिक्स आपको और आगे मिलेगी। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनमें यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का देखने को मिलेगा? कायिक रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड लैंगिक रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह से इनमें देखने को मिलता है। एक तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एक गेमिंग केप के द्वारा। इनकी गेमिंग जो केप होती है उसके द्वारा इनमें क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगी यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देखो पूछने में तो दोनों भी पूछा जाता है, डायरेक्ट ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन फिल्म कीजिए ब्रायोफाइट्स के, पार्टिकुलर पूछा जाएगा तो ज्यादा चांस किसके रहता है? सेक्सुअल। तो ये क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर और अपन डिटेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनकी लाइफ साइकिल है, वो भी आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं? ओगेमस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ओगेमस। ओगेमस बोले तो ये कैसे होते हैं? विषम युग्मकी होते हैं। कैसे होते हैं? विषम युग्मकी जो मेथड होती है उसके द्वारा क्या होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर जो मेल होता है उस मेल को क्या बोला जाता है? इनकी जो फीमेल होती है उसको क्या बोला?
जाता है। तो इनके जो मेल होता है उनको क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम, या उनको पूधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम। एंड इनके द्वारा जो चीज रिलीज होती है वो ये रिलीज क्या करते हैं, एंथ्रोजोइट्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पुमाणु बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, पुमाणु बोलते हैं। ठीक ऐसे ही फीमेल में बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है, आपकी स्त्रीधानी होती है। फीमेल के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, इनमें स्त्रीधानी होती है, आर्के गोनियम होती है। एंड ये क्या चीज रिलीज करती है, एक इनके द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, मतलब जो अंडा होता है वो इनके द्वारा रिलीज किया जाता है। अब जो आपके पुमाणु होंगे मतलब एंथ्रोजोइट्स होंगे, ये क्या होंगे, बाइफ्लेजिलेटेड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, इसके अलावा क्या होंगे, ये मोटाइल। जबकि जो एग होगा वो एग क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा एंड क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सीधी सी बात है कि ये इनके क्या थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, यूसेलुलर, मतलब क्या आपके क्या थे, यूनिसेलुलर थे। लेकिन इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये रिलीज तो क्या कर रहे हैं, यूनिसेलुलर क्या है, चीज रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वो आपके कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको जो कवर करके रखता है वो कवर करके कौन रखता है, जो स्टेराइल जैकेट होती है उसके द्वारा क्या होते हैं, सारे के सारे कवर होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, वाटर के अंदर, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि अपन ने बात कर ली थी। क्यों बोला जाता है इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये क्या होते हैं, रहते तो आपके लैंड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, वो कहां होगी, इनके अंदर, वाटर के अंदर होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके लाइफ साइकिल क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगला जो लेक्चर रहेगा अब उसके अंदर अपने इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा ब्रायोफाइट्स का वो देखेंगे। तो अपनी बीएससी सेमेस्टर की जो कंप्लीट क्लासेस चलती है बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की, तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।